में जो आप ये देख रहे हो ये है वेलकम टू आर ब्लॉक दिग्घा रोड प्रोजेक्ट, और एक्चुअली इसका जो नाम है वो अटल पथ रखा गया है। तो मैं अभी इस पे एक राइड लेने वाला हूँ। राइड लिया जाए तो राइड लेते लेते सोचा कि एक रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे, और इस तरफ देखोगे कि हमने अपना बाइक को पार्क किया है। तो हम जो राइड लेने वाले हैं ये एक्चुअली अपोजिट साइड से लेने वाले, पहले हम लोग जाएंगे दिग्घा फिर जाएंगे इधर आर ब्लॉक की तरफ। तो चलिए राइड लेते हैं। और अभी शाम के 6 बजने वाला है पर अभी तक लाइट नहीं जला है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर अभी लाइट जला है। और इसका कल ही उद्घाटन हुआ है और इसका नाम फिलहाल अटल पथ रखा गया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इस वीडियो में, बस मेरे को राइड लेना था और मैं सोचा कि मैं इसको कैप्चर कर लेता हूँ और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इस रोड का क्या है कैसा है, तो मैं फुल वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए हमारे साथ राइड लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर जो डायरेक्शन बोर्ड दिया गया है उसमें लिखा हुआ है राजीव नगर, दिग्घा और सोनपुर। तो हम अभी दिग्घा तक जाएंगे और वापस यू टर्न आके आर ब्लॉक तक जाएंगे और फिर घर जाएंगे। तो आप सामने हमारी ये देख रहे हो ये डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है यू टर्न अंडर द रेहनू पथ, पर हमें कहीं कोई टर्न नहीं लेना है, हमें सीधा जाना और सीधा आना है। क्योंकि हमारे दोनों तरफ से ये लगा हुआ है, ये साउंड बैरियर है और ये लाइट बैरियर है। ये लाइट बैरियर क्या होगा, तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ से लाइटिंग ऑन है और लाइट ना अभी जो है हम लोग इसे पहले पानी में कहा जाता था स्टे अलर्ट स्टे सेफ महेश नगर राजीव नगर, तो अभी हम लोग महेश नगर के पास हैं। आप यहाँ से देख रहे हो कि मनेश्वरी 29 किलोमीटर, गोलघर CMCH पटना साहिब, हो अशोक राजपथ, दिग्घा, जेपी सेतु, ये जो भी डायरेक्शन दिया गया है एक्चुअली ये संत माइकल वाले जो रोड है दिग्घा के सॉरी जो गंगा किनारे जो बगल से रोड जाता है अशोक राजपथ, वो उसके लिए ये डायरेक्शन दे दिया है स्टॉप एक्सीडेंट। और ये आप देख रहे हो अटल पथ यहाँ पे नाम दिख रहा है और कितना ही अच्छा लग रहा है, बहुत नज़ारा है। राइट साइड में ये दिख रहा है ये साउंड बैरियर है और ये अभी हम लोग पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया क्रॉस कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कैसे पॉल्यूशन है जो कि एक फैक्ट्री से बाहर निकल रही है और काफ़ी ही डेवलप हो रहा है। और देखा जाए तो मैं ये जस्ट फॉर ऐसे ही करता हूँ, फंड के लिए मैं ये वीडियो ऐसे ही ब्लॉग कर लिया करता हूँ, और मैं वीडियो आज से ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ। जब वीडियो नहीं थी, जब क्रेज नहीं था, तब से हमने वीडियो ब्लॉगिंग करना शुरू किया था और हमने फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे वीडियो 2013 में डाला था। पर मुझे ये वीडियो बनाने का पर्पस बस इतना ही है कि मेरे घर के बगल में है तो मैं सोचा कि इस रोड को जब मैं घूमूं तो मैं इसे कैप्चर कर लूं, क्योंकि रुको इसी रोड में सेम रोड में 40 की स्पीड यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जब 80 की स्पीड से यहाँ शुरू होगी तो मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है वहाँ पे 40 इसलिए था क्योंकि सर्विस लेन पे कट दिया गया था ताकि जब कोई गाड़ी आए तो मैं उतना चले जाए। और आप यहाँ पे सामने हमारे देख रहे होंगे यहाँ पे हाजीपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, ये जो नया वाला जेपी सेतु बना है उस रास्ते से हम लोग इसमें जा सकते हैं। देख रहे होंगे तो बैरियर लगा हुआ है। अब मैं इसे थोड़ा सा नज़दीक जाके देखता हूँ कि इस पर क्या लिखा हुआ है। इस पर ये लिखा हुआ है कृपया धीरे चले, असुविधा के लिए खेद है, सुरक्षा ही जीवन है, कार्य प्रगति पर है, सर्विस लेन में आ गए। और आगे से जाके हम लोग को फिर से राइट ले लेना है। ये राइट साइड में लिखा हुआ है गांधी मैदान और दानापुर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, तो ये हम लोग यहीं से ले लेते हैं, आगे ना जाके हम लोग यहीं से अपना टर्न ले लेते हैं और हम वापस जाते हैं। बस थोड़ी ही दूर पे सामने में थी वो अशोक राजपथ जो गांधी मैदान राइट साइड की ओर जाती है और लेफ्ट साइड की ओर दानापुर जाती है जो भी बहुत भीड़ भाड़ एरिया है, तो हम लोग उधर ना जाते हुए वापस ले लेते हैं। क्योंकि एक समय में ये सब ऐसा एरिया था जो ट्रेन चला करती थी और हम लोग ट्रेन पकड़ के आ जाया करते थे कुछ दोस्त लोग, और जब ट्रेन छूट जाया करती थी तो पैदल ही यहाँ से चले जाते थे। और आज देख रहे हो कि कितना ही डेवलप हो गया है और बहुत जल्द इसमें मेट्रो भी बनने वाला है। बहुत पहले मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि थर्ड फेज़ का मेट्रो इस पर बनेगा। अभी जो हम थे उस साइड से आए थे और ये उस तरफ से आकर इस तरफ आ गए और अब हम लोग वापस ये आर ब्लॉक तक जाएंगे। आप देख रहे हो जवाहरलाल नेहरू मार्ग आर ब्लॉक 6 किलोमीटर है, तो हम लोग यहाँ से आर ब्लॉक तक जाएंगे, उसके बाद अपने घर पे गाड़ी की और मैं देखता हूँ कितने मिनट में क्रॉस करता हूँ। तो हमारी कैमरा ऑन है, ये 40 की स्पीड इसलिए था क्योंकि आगे में जो है सर्विस लेन का कट दिया गया है। और आप भी देख रहे हो पाटलिपुत्रा कॉलोनी जो एक्चुअली मुझे लाइटिंग देखनी थी जो कि मेरे घर की तरफ नहीं चल रही है और इधर जल्द
हमारी जो बाइक है अभी इतनी की स्पीड चल रही है। एक्चुअली आप ज़्यादा स्पीड ना चलाएं, एक्चुअली मैं भी ना चलाऊं, पर थोड़ा मैं सोचा कि चलो जल्दी से क्रॉस कर जाते हैं इस रोड को, और यहाँ पे फिलहाल लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो इस चीज़ को बचाते हुए पूरी का एरिया है और मैं इसे क्रॉस कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मैं एक मिनट में पूरी आ गया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो सामने, आप मानचित्र देख रहे हो, बिहार भवन लिखा है, बिहार म्यूजियम लिखा है, पटना हाईकोर्ट लिखा है, एयरपोर्ट लिखा है। ये एयरपोर्ट जो डायरेक्शन दे रही है बेडी रोड की तरफ दे रही है। तो आप सामने देखो आर ब्लॉक, इनकम टैक्स और बस स्टैंड, ये शिवपुरी है, कृष्णापुरी है, और यहाँ पे लाइटें अभी नहीं जल रही है। इसका रीजन सिर्फ इतना ही है क्योंकि जो उधर का पार्ट था किसी और ट्रांसफॉर्मर से और कहीं और से उसका सप्लाई था। गाड़ी कितने ही स्पीड में हमें ओवरटेक कर रही है दिखाइए, तो आप देखिए ये। और दूसरी बात, ये एमएच महाराष्ट्र की गाड़ी है, जैसा कि आप देख रहे हो बिल्कुल लाइटिंग नहीं है बहुत, तो चलाने में उतना मज़ा तो नहीं आ रहा है, पर आई होप कि मेरे कैमरा में अच्छा आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसे के कारण इतना टाइम। ये आप देखिए बेली रोड का नज़ारा कितना ही भव्य है, आप देख रहे हो। ये अभी मैं लेफ्ट साइड से दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आर ब्लॉक की ओर जा रहा हूँ। अब मैं कुछ देर के बाद आपको राइट साइड में थोड़ा रुक के दिखाऊंगा। सामने देख रहे हो राइट साइड में वो जो है वॉच टावर है, जो कि ओल्ड सेक्रेटेरिएट है। वहाँ पे आप देखिए वो जो ब्लू ब्लू है घड़ी वाले बिल्डिंग, शायद आपको दिखाई ना दे, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिखाई दे। आई होप इट विल बी सी। न्यू सेक्रेटेरिएट क्रॉस कर गए हैं और जस्ट 30-40 सेकेंड में आर ब्लॉक आ जाएंगे। आप हमारे सामने देख रहे होंगे ड्राइविंग फास्ट कैन काउज डिजास्टर, तेज गति जीवन क्षति। 4 किलोमीटर राजगीर देख रहे हो, बोधगया 130 किलोमीटर और बरौनी 131 किलोमीटर। सामने वाली जो आप देख रहे हो ये GPU ओवर ब्रिज है, जो कि मूठापुर बीडी इवनिंग और उस तरफ चली जाती है। और ये हम लोग आर ब्लॉक के पास आ गए, ये वॉशरूम है, ये मैं आर ब्लॉक हूँ। आप ये देखिए इनकम टैक्स गोला नंबर, विधानसभा और पटना जंक्शन सीधा है। फिलहाल मुझे राइट लेना है और यही वाली पार्क बनी है जो आप मेरे राइट साइड में देख रहे हो, लेंगे। और मुझे नहीं पता कि हम रॉन्ग साइड ले सकते कि नहीं, ये ट्रैफिक पुलिस पोस्ट ऑफिस है, कोशिश करेंगे राइट ले लेते हैं। और आप देख रहे हो यही वाली पार्क है जो बनी है, ये लेफ्ट साइड में दिखाइए, ये एक पार्क बना है यहाँ पे, आप देख रहे हो। और वो जो पेट्रोल कल ही उद्घाटन हुआ और यहाँ का लेड स्क्रीन भी नहीं जल रही है, वाओ अमेजिंग। और ये BSNL वाली ऑफिस है, और ये आप देखो सामने ये आर ब्लॉक का बस स्टैंड है, और मैं यहाँ क्रॉस कर रहा हूँ। और सामने आप देख रहे होगे कि IIT पटना दिखा रहा है जो कि 35 किलोमीटर, ये बिहटा वाला IIT दिखा रहा है, एम्स। एक्चुअली बिहटा में ही IIT है, पर पहले जो था वो पॉलिटेक्निक के पास था, ये 80 किलोमीटर की स्पीड है, आप देख रहे होगे। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सेक्रेटेरिएट राजीव नगर, ये जो दो रास्ते थे वो बेली रोड के जाते थे, जो कि मेरे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, ये सर्विस लेन से होके जाना था, और जो सीधा था राजीव नगर ये ऊपर से जाना था। तो फिलहाल हमें तो जाना है कृष्णापुरी, तो हम तो ऊपर का ही पकड़ेंगे क्योंकि हमें बेली रोड में जाना ही नहीं। तो आप देख रहे हो इधर का लाइट जल ही नहीं रहा है। मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा एक मिनट के लिए बेली रोड के पास रुकने का, और देखता हूँ कि ऊपर तक कैसा लगता है। और ये आप देखिए मैं बेली रोड के पास आ गया हूँ, लेफ्ट साइड में देखिएगा तो ये बेली रोड है, इसे भी ब्रेथ बढ़ा दिया गया है और अच्छा लग रहा है। ये भी एक समय में बहुत ही कंजस्टेड हुआ करता था। तो आप मेरे सामने देखिए गाड़ी कितना ही मस्ती में आ रही है जा रही है, बहुत ही नज़ारा भव्य लग रहा है। और आप जो मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे वो जो है वो न्यू सेक्रेटेरिएट है, और जो हमारे राइट साइड में देख रहे होंगे ये जो है ये जीप मतलब पोस्ट ऑफिस है, और बहुत सारी गवर्नमेंट का ऑफिस इसके अंदर है। तो इसे रुकने से कोई फ़ायदा है नहीं, फिलहाल हम आगे चलते हैं। ये पंत भवन है, यहाँ पे पुलिस वाले बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, यहाँ पे आप बच के चला कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत बार हमने फाइन दिया है, रीजन ओनली विदाउट हेलमेट। और जो मैंने फाइन दिया वो हमेशा लीगल दिया, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे से 100 रुपये लेने का कोशिश किया, और मैंने हमेशा बोला कि
आप मेरे को चलान काट दो। लेकिन तब से जब से 1000 rupees हुई है, जब से न्यू ट्रैफिक रूल आई है, तब से हमने एकदम अपने ट्रैफिक नियमों में आ गया हूँ और हर चीज़ को फॉलो करने लगा हूँ, क्योंकि 1000 लेना इज नॉट गुड। पहले हेलमेट का 100 रुपये हुआ करते थे और अब हेलमेट का 1000 हुआ करते हैं। फिलहाल अब हम लोग चलते हैं अपने घर की ओर। तो आप सामने देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा पुनाईचक हमारे लेफ्ट साइड में है और महेश नगर स्ट्रेट है। तो ना तो हम पुनाईचक जाएंगे ना हम महेश नगर जाएंगे, पर फिर भी हमें सर्विस रेट रोड लेना ही पड़ेगा क्योंकि हम शिवपुरी जाएंगे। और ये हम जा रहे हैं सर्विस रोड में,